हेलो गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो हमारे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देखना, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि 100,000 सब्सक्राइबर्स जैसे क्रॉस होंगे मैं तुम्हारे लिए गेमिंग चेयर की गिव अवे रखूंगा। तो प्लीज जाके हमारे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देखिए। गाइस, आई एम सो सॉरी हम लोग इतना लेट अनाउंस कर रहे हैं यूट्यूब बैनर कंपटीशन का विनर। वो इसलिए क्योंकि आप सब तो जानते हो कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चीजें हुई है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अनाउंस दिस यूट्यूब बैनर कंपटीशन का विनर। और हम लोग हम लोग काफी एंट्रीज से गुजर रहे थे, 1700 टोटल एंट्रीज थे, और उनमें से चूज करना वन विनर वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे कुछ गलती की वजह से कोई एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर या फिर एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो मिस हो जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इसी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया। हम लोग अनाउंस 15 अगस्त को करने वाले थे, बट आज हम लोग कर रहे हैं ताकि हम बेटर रिजल्ट ला सके। तो इसी के साथ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ऑरस इंडिया ने कहा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को ऑरस की वेबसाइट्स में 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे और जो विनर है उनको 50 पॉइंट्स दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1700 एंट्रीज में से हम लोग ने शॉर्टलिस्ट किए 7 एंट्रीज, और इन 7 एंट्रीज में से विनर सिलेक्ट करना मुश्किल था, बट अल्टीमेटली विनर तो एक ही होगा। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ 7 शॉर्टलिस्ट किए हुए डिजाइंस और क्यों वो 7 में से एक जो है वो विनर बना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले शॉर्टलिस्ट हमारे पार्टिसिपेंट की, पहले शॉर्टलिस्ट की हुई डिजाइन की, जिसको बनाया है AK GFX ने। अभी इस बैनर की अगर हम लोग बात करें, काफी खूबसूरत बैनर है, काफी बढ़िया खूबसूरत बैनर है, मगर यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो उन्होंने गलत कर दी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने गलत कर दी वो है ऑरस Z490 Aorus Ultra। इस पूरे पार्ट को आप एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। उसके अलावा आपने राइट साइड में गीगाबाइट लिखा है और उसके ऊपर एक बॉक्स में बाय नाउ डाला है। यूजुअली यूट्यूब बैनर में कोई भी ऐसे बॉक्स में बाय नाउ नहीं डालते, बट वो बाय नाउ का टेक्स्ट फॉन्ट और जिस तरीके से आपने उसको प्लेस किया है, इट वुड हैव बीन बेटर। दैट्स द रीजन ये डिजाइन जो है जीत नहीं पाई। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजाइन, इसको बनाया है कुणाल मानचंदा ने और ये काफी डिसेंट, काफी बढ़िया है मैं कहूंगा, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जैसे कि उन्होंने पीछे जो स्मोक यूज किया है परफेक्टली यूज किया है, उन्होंने और से एक बड़ा सा लोगो डाला है स्क्रीन के सेंटर में, और उसके नीचे आप देख सकते हो उन्होंने टीम ऑफ पाइथन को ग्लोइंग इफेक्ट दिया जो कि मुझे काफी पसंद आया। और उन्होंने सिर्फ उस टेक्स्ट को नहीं बल्कि उस पूरे इमेज में जहां भी एक ऑरेंज कलर का लाइट्स है वहां पे उन्होंने ऑरेंज कलर का ग्लो इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे उन्होंने एक फ्लेयर लाइट भी यूज किया जो कि मुझे काफी पसंद आई। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बैनर पीछे रह गया, क्योंकि जो टॉप 3 है, जो टॉप 3 यूट्यूब बैनर्स है, दे आर बेटर एज कम्पेयर टू दिस वन। बट कुणाल मानचंदा, यू डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए कि इसमें से कुछ मिस्टेक्स ढूंढना, बट आपने काम परफेक्टली किया। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगा, जैसे कि मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि ऑरस इंडिया में लैपटॉप्स नहीं बेचता, सो अगर आप यहाँ पे लैपटॉप मेंशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वो एक पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया में लैपटॉप्स ऑरस नहीं बेचता। Moving on to the next design. Okay, so इसे बनाया है सैयद GFX ने। इनका हमने डिजाइन इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि सबसे पहली चीज मुझे इनके डिजाइन की पसंद आई वो है इनका कलर सिलेक्शन। ये जो रेड कलर इन्होंने सिलेक्ट किया काफी परफेक्ट रेड कलर है, आंखों में चुभता भी नहीं, और साथ में एक ऐसा कलर उन्होंने यूज किया है कि उस पे इंस्टेंटली आपका ध्यान पड़ जाए। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने ऑरस का लोगो सेंटर में डाला है, उसके ऊपर छोटा सा गीगाबाइट का लोगो डाला हुआ है। मेरे हिसाब से ऑरस का और गीगाबाइट का लोगो इस तरीके से आपको नहीं डालना चाहिए था, आपको एक बेटर वे में उसको डालना चाहिए था, आपको एक बेटर पोजिशनिंग और प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना चाहिए था। उसके बाद आपने जो फॉन्ट सिलेक्शन किया है टेक्स्ट को लेके, वो फॉन्ट सिलेक्शन एकदम परफेक्ट है, बट अगेन आपने प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी रहेगी आपके प्रेजेंटेशन में, जिसके वजह से यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स कट जाते हैं, बट फॉन्ट सिलेक्शन परफेक्ट। यहाँ पे उन्होंने राइट साइड में aorus.com www.aorus.com डाला है, यहाँ पे आपको एक बेटर फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहिए था क्योंकि ए और ओ जो है सिमिलर लग रहा है, राइट और यूट्यूब बैनर जो है वो काफी छोटा होता है तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा आपको www के जगह in.aorus.com डालना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। उसके अलावा आपने यहाँ पे जो मदरबोर्ड दिखाया है, आपने मदरबोर्ड दिखाया B550 Aorus Master और आपने यहाँ पे लिखा है B550 Aorus Motherboard, सो आपने
मास्टर हटा दिया उसमें से, जिसके वजह से आपका एक और पॉइंट कट होता है। अभी मैं आपको एक ऐसा बैनर डिजाइन बताऊंगा जिसको बनाया हुआ है स्टार एक्स ने। इनिशियली ऑरस का ये सिलेक्शन था एज अ विनर, उन्होंने बोला कि दिस इज द विनर। ऑरस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करे हुए हैं, तो इन जनरल उनको ये चीज पसंद आई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे फील द पावर भी लिखा हुआ है, ऑरस भी लिखा हुआ है, और लाइटिंग्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से है। मगर एज अ डिजाइनर मुझे ये वाला इमेज उतना पसंद नहीं आया। दिस कुड हैव बीन द विनर, बट यहाँ पे मिस्टर स्टार एक्स ने बहुत सारी गलतियां कर लिया है, जिसके वजह से मैंने इस डिजाइन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्टैप एक्स का आइडिया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया आइडिया के साथ उन्होंने इस डिजाइन को बनाया था। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने इस यूट्यूब बैनर को लेकर करी है, जिसके वजह से मैं यहाँ पे उनके पॉइंट काटना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि फील द पावर, उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर उन्होंने एक फ्लेयर भी डाली है, जिसके वजह से वो पावर जो है उसमें पावर नहीं आ रहा। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे नीचे एक स्टोन रखा था और स्टोन के ऊपर उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक कटआउट किया और कटआउट के ऊपर उन्होंने बस एक टेक्सचर डाला और उसके ऊपर उन्होंने पर्पल कलर का हाईलाइट दिया है, जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली किया हुआ है, जिसके वजह से इनको पॉइंट्स नहीं दे सकते। उसके अलावा एक और चीज जो शायद से ऑरस ने नोटिस नहीं की बट मैंने नोटिस की, वो चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑरस का स्टैंड, जो मॉनिटर का स्टैंड जो है, वो अगर आपने नोटिस किया तो वो रैम के ऊपर से जा रहा है, विच मेक्स नो सेंस। और उसके साथ साथ अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे तो उन्होंने एक लो क्वालिटी इमेज उन्होंने यहाँ पे यूज की है, जिसके वजह से फिर से उनके पॉइंट्स कट होते हैं। तो इसी के वजह से हम इस YouTube बैनर को विनर नहीं बना पाए। इसके वजह से थोड़ा सा और डिले हो गया YouTube बैनर कॉम्पिटिशन का विनर अनाउंस करने के लिए। टॉकिंग अबाउट द टॉप 3 YouTube बैनर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन तीनों में से एक चीज एक सिलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट फिर भी somehow we managed to select one YouTube banner among all 1700 submissions. It was very difficult guys, बहुत ज्यादा मुश्किल था, but finally we did it. Talking about the third position, ये YouTube banner बनाया हुआ है XAPOAMVS. I have no idea how I'm supposed to pronounce you, but Google Drive में आपने इस तरीके से नाम डाला। So talking about his YouTube banner, बहुत ही perfect मैं बोलूँगा उन्होंने बनाया हुआ है। Minimalistic design, उन्होंने हल्का सा उन्होंने ऊपर एक white color का एक light source डाला हुआ है, नीचे monitor के shadow perfectly दिख रहा है। कलर सिलेक्शन और कलर कॉम्बिनेशन उनका परफेक्ट है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। उन्होंने यहाँ पे जो ऑरस के मॉडल का जो विंग है, उस विंग्स को यूज किया और उस विंग्स को उन्होंने बताया कि उस मॉनिटर ने वो विंग्स पहने हुए हैं। उसके सेंटर में उन्होंने ऑरस का लोगो दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, परफेक्टली प्लान्ड। और पीछे गीगाबाइट का अगर आप देखोगे तो एक फेडिंग, एक हल्का सा कम ओपेसिटी वाला फेडेड इमेज है, फेडेड लोगो है, काफी परफेक्ट। टेक्स्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट फॉन्ट सिलेक्शन परफेक्ट। और उन्होंने जो हाईलाइट किया ब्लू कलर से CV27Q और फर्स्ट को, जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया, काफी बढ़िया, काफी मिनिमलिस्टिक, देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड अनफॉर्चुनेटली ये विनर नहीं बन पाए, क्योंकि और भी दो YouTube बैनर सबमिशन ऐसे हैं जो मैं बेटर नहीं बोलूंगा, मतलब टॉप 3 ऐसे YouTube बैनर्स है जो अपने अपने तरीके से बेस्ट है, बट फिर भी वी हैड टू चूज वन। हर एक YouTube बैनर डिजाइन जो है उनमें 19-20 का फर्क है, बट फिर भी आई थिंक दिस डिजर्व्स टू बी ऑन द थर्ड प्लेस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पोजिशन, ये डिजाइन बनाया हुआ है संकेत भंडारी ने। आई लव दिस डिजाइन अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी तरीके से मिस्टेक नहीं ढूंढोगे इस YouTube बैनर में। मुझे एक भी मिस्टेक नहीं दिखा। मुझे इनका कॉन्सेप्ट पसंद आया, सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था वन ऑफ माय, जो भी मैंने सैम्पल वीडियो दिया था, सैम्पल डेमो दिया था उसमें, बट आई लाइक्ड हिज वे ऑफ प्रेजेंटेशन। उन्होंने जो बैकग्राउंड यूज किया, उन्होंने जो यूनिक इफेक्ट दिया हुआ है पर्पल कलर का, और उन्होंने जो कलर्स के साथ में जो उन्होंने सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट जिसको वो फीचर करना चाहते हैं,
वो भी देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। इन शॉर्ट कुछ भी यहाँ पे इस इमेज में बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम लोग जिसका हम लोग कंप्लेन कर सके, एक्सेप्ट एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे उन्होंने करी है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस प्रोडक्ट का जो शैडो है, लेकिन यहाँ पे उसके राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो कि शैडो जो है उसके नीचे से आ रही है, विच इज इनअप्रोप्रिएट। दिस कुड हैव बीन डन बेटर, दिस कुड हैव बीन बेटर, बट उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स तो यहाँ पे है नहीं। बट फिर भी दिस द थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन, इन दोनों को मैं थर्ड और सेकंड पोजीशन नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों इक्वल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट इज बेटर देन थर्ड पोजिशन वाला। बट लेट्स टॉक अबाउट द विनिंग डिज़ाइन, एक ऐसा यूट्यूब बैनर जो मेरे पर्सपेक्टिव में विनर है, और हम लोग को इस डिज़ाइन को विनर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वी हैड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी यूट्यूब बैनर ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा यूट्यूब बैनर मिल जाए जो कि बेटर हो। बट दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट यूट्यूब बैनर। नाउ रीजन बीइंग मैं तुम लोगों को बताता हूँ सबसे पहले क्यों। सो ये यूट्यूब बैनर बनाया है अमित सालुंके ने, अमित GFX ने ये यूट्यूब बैनर बनाया हुआ है। और इसका मुझे बेस्ट चीज सबसे क्या लगी, ये एक ऐसा यूट्यूब बैनर डिजाइन है, मतलब जैसे कि हमने सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और बाकी शॉर्टलिस्ट में देखा, हर किसी ने कहीं ना कहीं घुमा फिरा एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लाया था, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है मॉनिटर को, उस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहली बात करते हैं उनके टेक्स्ट फॉन्ट की। फॉन्ट जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो काफी बढ़िया फॉन्ट उन्होंने सिलेक्ट किया। ऑरस को उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा, Fi27Q को उन्होंने थिन लेटर्स में लिखा, और उसके नीचे उन्होंने कुछ उसके फीचर्स लिखे अलोंग विद ऑरस और गीगाबाइट का लोगो, जो कि मेरे हिसाब से उन्होंने परफेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उन्होंने परफेक्टली यहाँ पे चीजें बताई है, और उन्होंने सारे मोबाइल कंपैटिबल उन्होंने डिजाइन बनाया कि वो परफेक्टली मोबाइल स्क्रीन में परफेक्टली दिखे और मॉनिटर और कंप्यूटर स्क्रीन पे भी परफेक्टली दिखे। उसके अलावा जो एक चीज जो मुझे इस इमेज से समझ में आ रही है कि वो यहाँ पे ये मैसेज दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि दिस इज नॉट जस्ट अ गेमिंग मॉनिटर जहाँ पे आप सिर्फ गेम खेलते हो, बट उन गेम्स को उन्होंने बाहर, उन्होंने ऐसा बताया कि वो बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे मेरे हिसाब से कि आप सिर्फ गेम नहीं खेल रहे उस मॉनिटर पे, वो उस मॉनिटर पे खेलते हो आप उस गेम को फील कर रहे हो जैसे कि वो सब कुछ आपके अराउंड ही चल रहा है। इतना बेटर क्वालिटी वो मॉनिटर आपको देता है, इतना बेटर रिस्पॉन्स टाइम उस मॉनिटर का, और इतना बेटर कलर प्रोडक्शन वो मॉनिटर देता है कि आपको फील नहीं होगा कि आप उसको एक डिस्प्ले में देख रहे हो, बल्कि आपको ये फील होगा कि सब कुछ आपके अराउंड हो रहा है। इसके लिए मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट यूट्यूब बैनर अमंग ऑल दी 1700 सबमिशंस। अब मुझे नहीं पता तुम लोग का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, तुम्हारे हिसाब से कौन सा यूट्यूब बैनर शुड बी विनर एंड कौन सा यूट्यूब बैनर शुड नॉट बी द विनर, ये तुम्हारी पर्सपेक्टिव है, बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव, दिस शुड बी द विनिंग यूट्यूब बैनर, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अलग है। बाकी जितने भी सबमिशंस है उनमें से इस ये यूट्यूब बैनर काफी अलग है, ये आपको एक अलग मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी सारे यूट्यूब बैनर एक सिमिलर चीज आपको बता रही है, एक सिमिलर बस प्रोडक्ट डाल दिया, इधर उधर टेक्स्ट लिख दिए और बस बाकी जैसा उसी तरीके से उन्होंने आपको बाकी तो काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखा, बट ये मुझे एक यूनिक चीज दिखी। एंड अमित सालुंके शाउट आउट टू यू। और हम लोग देख सकते हो एक तरफ एक वॉर पबजी टाइप गेम है और दूसरी तरफ एक रेसिंग गेम है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने दो अलग अलग जॉनर्स को अच्छे तरीके से बताया इस पूरे इमेज में, और पूरे इमेज को एकदम क्लीन और नीट रखा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दिस इज द परफेक्ट यूट्यूब बैनर और दिस इज द विनर ऑफ आर ₹10,000 यूट्यूब बैनर कॉम्पिटिशन। सो अमित सालुंके कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूब बैनर के हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस पूरे कॉम्पिटिशन के, उनको ऑरस मेंबरशिप के ऑरस की वेबसाइट पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं, और जो हमारे विनर है उनको 50 पॉइंट्स मिलता है। और उसी के साथ साथ बात करते हैं हमारे GTX 1650 Windforce OC ग्राफिक कार्ड के विनर की। सो जिनको पता होगा, जिन्होंने उस ग्लिम वाले लिंक को फॉलो किया होगा, उनको पता होगा कि विनर जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और उसने अनाउंस किया हुआ है विनर्स। मैंने अब तक विनर अनाउंस नहीं किया था बिकॉज आई वॉज सुपर बिजी दिस वीक, बट दिस इज द विनर प्रोबिन डी ग्लिम के ग्लिम.io का जो हमारा ग्लिम का कॉम्पिटिशन का लिंक था,
वहाँ पे ही उन्होंने विनर एंट्री विनिंग एंट्री जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दी है। सो प्रोबिन डी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग GTX 1650 सुपर विंड फोर्स OC ग्राफिक कार्ड। एंड फिर से एक बार बता दूँ कि ये जो विनर जो है ये विनर glim.io जो वेबसाइट है वो वेबसाइट रैंडमली पिक करके अनाउंस करती है एंड द एंटर प्रोसीजर इज डन बाय ऑरस इंडिया नॉट बाय मी। एंड इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक मैंने गेमिंग चेयर का भी कॉम्पिटिशन रखा हुआ है गेमिंग चेयर का भी, सो डू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में।